विधानसभा चुनाव में बागियों के साथ प्रत्याशियों के लिए नोटा भी मुसीबत का सबब बन सकता है। कम अंतर से जीत हार तय होने वाली सीटों में कई बार नोटा की हार के अंतर से ज्यादा वोट होने के चलते इसे लेकर अनजाना सा खौफ बना रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में नोटा का अनुभव कई प्रत्याशियों के लिए बुरे सपने जैसा है। किस लिए नोटा का खौफ है, इस पर बात करें तो 2013 के चुनाव में 5,89,923 वोटर्स ने नोटा का बटन दबाया था। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में 0.5% का अंतर था, जिसके चलते बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत जहां 39.3% था, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.8% था। वहीं 4,67,785 वोटर्स ने नोटा का इस्तेमाल किया, जो कि 1.3% है। प्रदेश में 11 ऐसी सीटें रही जहां जीत हार के अंतर से ज्यादा नोटा को वोट मिले। राजस्थान भर में बेंगू सीट में सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिले। वहीं 2018 में नोटा के असर की बात करें तो बेंगू में कांग्रेस के राजेंद्र बिधोड़ी जीते, जिनकी जीत का अंतर 1661 था और नोटा को 3,165 वोट मिले। आसीन से बीजेपी के जब्बार सिंह 151 वोट से जीते, जबकि इस सीट पर नोटा को 2,943 वोट मिले। मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय खुशवीर सिंह जोजावर 251 वोट से जीते और नोटा को यहां 2,719 वोट मिले। चमोह से बीजेपी के रामलाल शर्मा 1,288 मतों से जीते, जहां नोटा को 1,859 वोट मिले। खेतड़ी में कांग्रेस से जितेंद्र सिंह 957 वोटों से जीते और नोटा को यहां 1,377 वोट मिले। दातारामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह 920 वोटों से जीते और नोटा को यहां 1,180 मत मिले। फतेहपुर से कांग्रेस के हकम अली 860 मतों से जीते और नोटा को यहां 1,165 वोट मिले। पोगरण से कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद को 872 मतों से जीत मिली और नोटा को 1,121 वोट मिले। जीत हार के अंतर से ज्यादा नोटा को वोट मिलने का एक प्रमुख कारण मतदाता को विश्वस्त प्रतिनिधि का विकल्प नहीं मिलना है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों को विश्वास बहाली के मजबूत प्रयास भी करने होंगे। क्लोज कॉन्टेस्ट में प्रत्याशी का मुकाबला नोटा से भी होगा और यही कारण है कि न सिर्फ वोटिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि यह जद्दोजहद भी की जा रही है कि सही प्रत्याशी का चयन हो सके। कैमरा पर्सन संदीप के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।